गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ, जो कि ब्रांडेड है और अफोर्डेबल में भी है। बहुत से ऐसी हैं लोग जो मतलब ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदना तो चाहते हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा हाई इन प्राइस के होते हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लिपस्टिक के कलेक्शन है अफोर्डेबल में, क्योंकि एज अ बिगनर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अफोर्डेबल ही यूज़ करूँ जो कि मेरे अंडर बजट में आए। तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों के साथ लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ, उसका रिव्यू मैं देने वाली हूँ और इस लिपस्टिक के जितने भी लिंक्स रहेंगे आपको पर्पल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पर्पल से ही बाई किया है, purple.com से मैंने बाई किया है। तो इन सारे लिपस्टिक का शेड नंबर, नाम और जो भी लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों को ये लिपस्टिक कैसी लग रही है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर, ये मैंने जितने जो भी मैं लिपस्टिक यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ ये सारे ही स्किन टोन पर जाने वाली, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो डस्की हो, चाहे वो मीडियम हो या फिर थोड़े से कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन टाइप हो, ये लिपस्टिक सारे स्किन टोन पर डेफिनेटली जाएगी, आई गारंटी, बिकॉज मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा अच्छा ही शेयर करूँ जो कि आप लोग उसे अफोर्ड कर पाए या फिर आप लोगों के ऊपर भी सूट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने कभी यूज़ नहीं किया वो मैं डायरेक्टली आके कैमरे पे बोल दूँ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वो मेरा खुद का परचेस है और काफ़ी टाइम से मैं पर्पल भी यूज़ कर रही हूँ, तो पर्पल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कभी ना कभी मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। अफोर्डेबल मेकअप भी मैं लेकर आने वाली, तो स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे इस चैनल पर। और वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। आप लोगों का प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा सुपर सुपर एक्टिव होती हूँ, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर बहुत अमेजिंग से वीडियोज़ बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और भी मेरे अदर्स चैनल है, मेरे और मेरे हस्बैंड के चैनल है, उसका भी लिंक दे दूंगी। मैं कुकिंग वीडियोज़ बनाती हूँ, उसका भी चैनल दे दूंगी। तो सारी फर्दर डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके की लिपस्टिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांडेड है और काफ़ी ज़्यादा चलती है लिपस्टिक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ बेला वॉस्टे की शीर क्रीम लिपस्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब वन स्ट्रोक में ही लग जाएगी। आप जो अभी इस वक्त देख रहे हैं मैंने उसमें का कुछ भी नहीं लगाया, ये मेरी दूसरी ब्रांड की लिपस्टिक है। तो मैं आप लोगों के साथ पहले पैकेजिंग प्राइजिंग की बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शेड्स भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास तीन लिपस्टिक है यहाँ पर बेला वॉस्टे की, आप देख लीजिए यहाँ पर बेला वॉस्टे लिखा हुआ है और मेरे पास तीन शेड है और ये तीनों के तीनों शेड गाइस ऑसम है, सारे स्किन टोन पर जाएगा, सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शेड रेंज है बेला वॉस्टे की जो लिपस्टिक है शीर, जो कि मतलब इसका जो क्रीमी टेक्सचर है मतलब बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है कि आपने कुछ खाया पिया और वो निकल जाएगा, और ये लिपस्टिक ऐसी है कि आप अगर इसे लगाएंगे तो ये आराम से स्टे करेगा 8-9 घंटे तक, क्योंकि मैंने भी बहुत बार काफ़ी टाइम इसे यूज़ किया है और डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ ये क्रीम है, बट उस टाइप का क्रीम नहीं है कि आपने कुछ खाया या बाहर आप किसी चीज़ के लिए गए हो, कहीं घूमने गए हो या डेट पर, मतलब किसी भी फंक्शन पार्टी में अगर आप लगा के इसे जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, स्टे करता है आपकी लिप्स पर और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, इतना अच्छा स्ट्रोक है इसका। और प्राइसिंग तो आप सुनेंगे तो आप तुरंत ही ग्रैब कर लेंगे, इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो है 225 मतलब 225 रुपये, बट आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये आपको डेफिनेटली आपको डिस्काउंट में पर्पल पे हमेशा मिलेगा, पर्पल पे आप इसी से पर्पल से ही परचेज कर सकते हैं। बेला वॉस्टे की जो लिंक है वो भी मैं दे दूँगी, और इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलेगी 150-155 तक आप एक लिपस्टिक खरीद सकते हैं, तो है ना बहुत ही बजट फ्रेंडली और एकदम अफोर्डेबल। तो इसकी जो शेड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से दिखाई देता है। मेरे पास यहाँ पे तीन शेड अवेलेबल है, एक है 03, एक है 01 और एक है 09, सारे ही शेड मेरे फेवरेट है, मुझे और भी ख़रीदने थे बट मैंने सोचा पहले मैं इसे आप लोगों के साथ रिव्यू कर दूं, क्योंकि हर शेड सारे स्किन टोन पर नहीं जाता ना, तो ये मेरे अच्छे वाले कलेक्शन में से है बेला वॉस्टे की। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाने स्टार्ट करती हूँ किस तरीके के शेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
शेड नंबर 1 से मतलब 01 से, 01 का जो नेम है वो है रेड बॉम्बर, 01 जो है रेड बॉम्बर है, इसका भी लिंक दे दूंगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो आपको कुछ भी पैकेजिंग उठा के देख देंगे। आप लोग ने बहुत सारे ऐसे लिपस्टिक देखे होंगे गाइस जो कि अफोर्डेबल में होते हैं तो उसकी पैकेजिंग इतनी मतलब ख़राब होती है ना, वो कभी भी ओपन हो जाती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मुझे माइनस पॉइंट लगता है। अगर अफोर्डेबल में है तो एटलीस्ट पैकेजिंग तो अच्छी दे। तो ये अफोर्डेबल है, आपको 150 के प्राइसिंग में मिल जाएगी पर्पल पे, तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी, आराम से टिक टैक करने वाली इसकी टैप है, ये कुछ इस तरीके से टिक टैक होती है सी, ये मैंने ओपन किया और ये कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाती है, जो कि मुझे इसकी ये प्लस पॉइंट मुझे लगी बहुत ज़्यादा अच्छी कि कभी भी अपने आप ओपन नहीं हो जाएगा। बहुत से अफोर्डेबल लिपस्टिक है मेरे पास पुराने काफ़ी, जो कि यूं ही खुल जाती है, जो कि मतलब बंद नहीं होते, उसकी जो कैप है वो बंद नहीं होती है, तो वो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। बाकी ये जो अफोर्डेबल में है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आराम से ये आपके बैग में आप किसी भी कोने में रख देंगे, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी साइज़ में, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, आराम से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, आप अपने छोटे से बैग में कहीं भी आप इसे आराम से, आप मेकअप पाउच में भी आराम से इसे रख सकते हैं, पर इसका कोई भी ओपन होने का कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे 01 जो है रेड बॉम्बर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये मैंने इस तरीके से इसे ओपन किया, देखिए ये कुछ रेड है तो ऑफकोर्स रेड ही रहेगा, देखिए कितना ही ब्राइट कलर है रेड में, इतना सुंदर है ये रेड, मतलब ऐसा मतलब भड़कदार रेड बिल्कुल नहीं है, डल भी नहीं है, एकदम प्रॉपर रेड है। आप देख सकते हैं मेरी ये टॉप से भी मैच कर रहा है और पीछे जो मेरा कर्टन है उससे भी काफ़ी मैच कर रहा है, रेड कलर की है ये सी, है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इसका मैं पिगमेंटेशन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी गाइज ये रहे सारे शेड आपके सामने, ये मैंने यहाँ पे स्वेच किए हैं और आप देख सकते हैं सारे ही शेड जितने हैं सब अलग है, ये रेड टिंट में है, ये ब्राउनिश है, ये पर्पल टिंट में, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छा खासा यूज़ भी किया है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे कलर्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 150-155 में मिल रहा। अगर आप इसे मतलब आप चाहते हैं कि इस शेड में या इस रेंज में, इस रेंज के शेड में और भी खरीदना चाहेंगे तो मैं तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर, तो एक बार ज़रूर आप चेक करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ही अच्छा ये दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे पर्सनली ये कलर मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है पर्सनली। मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे लिपस्टिक अपने लिप पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। सो गाइज आप लोगों ने देख लिए सारे लिप्स मैंने अप्लाई करके दिखाए आप लोगों को, सारे तीनों लिपस्टिक मैंने अप्लाई करके बताए मेरी लिप्स पर, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लवली शेड है ये वाला शेड, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं और आप लोगों को कौन सा शेड अच्छा लगा वो भी बताइएगा ज़रूर, और आप लोग अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सारे ही शेड जितने भी मैंने बताए सारे स्किन टोन पर जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल में है, 150-155 तक आपको आराम से मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है।
और लिप्स पर लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अगर क्रीमी हो तो बहुत सारे लिपस्टिक ऐसे होते हैं जो क्रीमी होने के बाद निकल जाते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बोलूँगी आप अगर अफोर्डेबल में अगर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये बेला वोस्टे की जो लिपस्टिक है बहुत ही अच्छी है। इसमें और भी बहुत सारे शेड रेंज है, अनलिमिटेड शेड्स है, आई थिंक 20 या 25 शेड है, तो आप लोग आराम से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो होप सो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो क्या करना है गाइस, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव। मुझे आप अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे आप अगर बात करना चाहते हैं कोई भी रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, आप लोग मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। आप अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ऑलवेज आप लोगों को रिप्लाई करूँगी और मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए कि कोई तो आया है यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।